क्योंकि बबीता कैसी हो बहनों? पोपट भाई, आइए आइए सब्जी लीजिए। नहीं नहीं आज मुझे सब्जी नहीं खरीदनी है। क्यों पोपट भाई, सब्जी बहुत फ्रेश है। हाँ एकदम फ्रेश। हाँ पर वो 2-3 दिन पहले मैंने 1/4 किलो सब्जी खरीदी थी ना, उसमें से भी आधी सब्जी फ्रिज में फ्रेश पड़ी है। ये पोपट भाई जैसे ग्राहक मिले ना तो मेरा सब्जी का धंधा बंद करना पड़ेगा। तो आपका धंधा बढ़ाने के लिए मैं अपना पेट खराब करूं? मैं आदमी को जितनी भूख होगी उतना ही खाएगा ना। एक अकेले इंसान को कितनी सब्जी चाहिए? हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी सब्जी का बिल बढ़ाने वाली जल्दी से आपके जीवन में आ जाए। हाँ पोपट भाई, ताकि हमें भी सब्जी खरीदने में और एक कंपनी मिल जाए। हाँ। और मेरा भी धंधा बढ़ जाएगा। भाई आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूँ। मैं आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो जाकर आया हूँ। हाँ इन्होंने बोला मुझे आप लोग गए थे। पोपटलाल भाई, आपको मैरिज ब्यूरो में से कोई प्रपोजल आया? नहीं कोमल भाभी, अभी तक कोई बात नहीं बनी। बनेगी, बात बनेगी, जरूर बनेगी। आप ही ना पोपट भाई सकारात्मक सोचते रहना कि मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। पोपट भाई दया भाभी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, जैसे हम सबको रिनोवेशन के वक्त एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, पर हम हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो देखा हमारा रिनोवेशन कितने अच्छी तरह हो गया। वैसे ही आप भी सोचिए। एग्जैक्टली। हाँ और ऐसे ही एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। अरे रोशन भाभी, मैं बरसों से उस एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पोपट भाई, माता जी की कृपा से वो शुभ दिन, शुभ घड़ी जल्दी ही आपके जीवन में आएगी। सच में आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मेरा भारी मन हल्का हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ओके बहनों मैं चलता हूँ। मैंने जो आइडिया सोचा है उसके लिए मुझे पोपट अंकल को यहीं पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी में गया और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, हेलो हेलो पोपट अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू बेटा बोल बोल बोल। पोपट अंकल आप अभी सोसाइटी में हो कि ऑफिस के लिए निकल गए? क्या हुआ, आप अकेले हो? अरे बेटा मैं तो बरसों से अकेला हूँ। नहीं नहीं पोपट अंकल, वैसे नहीं, आप आपके आसपास कोई नहीं है ना? तो अच्छा ऐसे? नहीं नहीं कोई नहीं है। लेकिन टप्पू बात क्या है? पोपट अंकल मुझे आपसे अभी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है। अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग किस बारे में? वो पोपट अंकल मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, बस आप जल्द से जल्द अपने सोसाइटी के पास जो कॉफी शॉप है ना आप वहां पर मिलिए। और हाँ पोपट अंकल, ध्यान रखना कि अपनी ये अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग के बारे में सोसाइटी में किसी को पता ना चले। हाँ टप्पू तू बिल्कुल टेंशन मत ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। टप्पू को मुझसे कौन से अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है? टप्पू बेटा क्या हुआ? पोपट अंकल क्या हुआ बेटा, तू कह रहा था तू फोन पर नहीं बता सकता, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्जेंट मीटिंग करनी है, क्या बात क्या है? पोपट अंकल बात ही ऐसी है, मैं मेरे पापा मम्मी और दादाजी को नहीं बता सकता, इससे मैंने आपको बुलाया। ऐसी क्या बात है? पोपट अंकल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। अरे भाई मदद करूंगा ही ना, उसमें प्रॉमिस क्या करना? नहीं 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 आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस बस? नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप अपने छाते की कसम खा के प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। प्लीज पोपट अंकल। ठीक है मैं अपने छाते की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी मदद करूंगा, अब बताएगा कि बात क्या है? हाँ पोपट अंकल, आज मैं कॉलेज में एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी मुसीबत? एक्चुअली मैं लेक्चर में बैठा था और हुआ यूं कि अरे बाप रे, ये तो सच में तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। पोपट अंकल मैं सच कह रहा हूँ, वो रॉकेट मैंने नहीं फेंका था, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ तो फिर तुम डरते क्यों, ये बात जेठालाल को बता दो। नहीं नहीं पोपट अंकल, ये बात मैं पापा को नहीं बता सकता, क्योंकि आज सुबह पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेंट आई तो पापा मेरा कॉलेज जाना बंद करा देंगे और मुझे दुकान पे बिठा देंगे, इसलिए मुझे पापा के सामने जाने में डर लग रहा है। अच्छा 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 समझा। अब चिंता मत करो, हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। जेठालाल से मैं बात करूंगा। नहीं 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 पोपट अंकल नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए, मैं बस चाहता हूँ मुझे मेरा आई कार्ड मिल जाए। तो मिल जाएगा ना? हाँ तो उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे पापा बनकर मेरी कॉलेज में आना होगा। जेठालाल कैसे बन सकता हूँ,
मैं तेरा पापा बनकर तेरे कॉलेज नहीं आ सकता। अरे पोपट अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आए तो मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा, मैं कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगा। वो जो भी हो बेटा ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। छाती की कसम खाकर आप ना बोल रहे हो, वो गलत नहीं है। हाँ लेकिन तू जो बोल रहा है वो ज्यादा गलत है। मैं छाती की कसम वापस लेता हूँ, मैं जेठालाल नहीं बन सकता। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज, अगर हम दोनों पकड़े गए ना तो तुम और फंस जाओगे, तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे, और फिर मैं जेठालाल और चाचा जी को क्या जवाब दूंगा। अब तक तो चाचा जी सिर्फ मुझे डिब्बा डिब्बा बोलते आए, ये सुनकर मुझे डिब्बे में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे, और जेठालाल को मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन पोपट अंकल हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रोफेसर ने पापा को बुलाया है वो पापा से मिले ही नहीं है, तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है। प्लीज पोपट अंकल चलिए ना मेरे साथ। पोपट अंकल अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। देखिए पोपट अंकल भगवान भी हमारे साथ ही है। पप्पू बेटा तूने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। ठीक है मैं तेरा पापा बनने के लिए तैयार। मतलब आपके थोड़े थोड़े बाल हम व्हाइट कर देंगे व्हाइटनर से, ताकि आप इतने यंग ना लगो। तो ठीक है तो पोपट अंकल चलिए चलिए जल्दी चलते, 4 बजे से पहले हमें कॉलेज पहुँचना है। लेकिन टप्पू ये कपड़े चलेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए, इसमें मैं व्यापारी लगूंगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं काम करता हूँ, फटाफट घर जाके कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, लेकिन पोपट अंकल संभालना, सोसाइटी में किसी को पता ना चले। अपू चिंता मत करो, एक बार पत्रकार पोपटलाल अपनी जबान किसी को दे देता है तो फिर चाहे उसकी जबान कट क्यों ना जाए वो बात बाहर नहीं आती। यस यस पोपट अंकल, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी जल्दी पोपट अंकल। हे भगवान मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे वाह सूट तो अच्छा लग रहा है। मैं जेठालाल ना सही लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक जरूर लग रहा हूँ। हेलो मैं हूँ पत्रकार, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा और ये है मेरा बेटा टप्पू। ये भगवान लाज रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चलो लेट हो रहा है, लेट हो गया। हेलो हेलो पोपटलाल जी। हाँ मैं लता मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए लता जी। पोपटलाल जी आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा? हमने आपका बायोडाटा एक लड़की के घर वालों को भेजा था और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आया है। क्या? उनको आपका बायोडाटा पसंद आया और लड़की वाले आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अच्छा हाँ तो बताए बताए कब मिलना है। ठीक है 1-2 घंटे बाद का टाइम फिक्स कर देती हूँ। हाँ ओके ओके। नहीं 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 अभी तो मुझे कॉलेज जाना है। आप कॉलेज जाते हैं? नहीं वो मैंने बताया ना मैं पत्रकार हूँ, मैं कॉलेज पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो थोड़ा अर्जेंट है। वहाँ से फ्री होते होते मुझे 4:30-5 हो जाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, शाम को 6 बजे का टाइम फिक्स कर देती हूँ। आप शाम को 6 बजे सनराइज होटल में पहुँच जाइए, लड़की के घर वाले आपको वहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। लता जी वैसे उनका नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेस आहूजा, उनके पिता का नाम है आनंद आहूजा और उनकी माता का नाम है प्रिया आहूजा और उनकी बेटी का नाम है नलिनी आहूजा। नलिनी? अरे वाह मस्त नाम है। अच्छा लता जी मैं नलिनी जी को पहचानूंगा कैसे? डोंट वरी, उनके पास आपका बायोडाटा और फोटो है, वो आपको पहचान लेंगे। वाह 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 वा, थैंक यू लता जी थैंक यू। और मिस्टर पोपटलाल जी जब आप लड़की वालों से मिलने जाए ना तो अपने भैया भाभी या अपने परिवार वालों में से किसी को लेकर जाना, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आगे की बातचीत भी आसानी से होगी। श्योर श्योर। वंस अगेन थैंक यू लता जी, सच में आपके मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवा के मैंने सही डिसीजन लिया है, किसी और ने आज तक मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। आपके मैरिज ब्यूरो के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे क्लाइंट की खुशी में ही हमारी खुशी है। वाह बस आज अब वक्त पर पहुंच जाना,
क्योंकि कल लड़की के माँ बाप आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वक्त से पहले पहुँच जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट पोपटलाल जी। थैंक यू लता जी, थैंक यू। सुना, ऊपर वाले ने टप्पू की दुआ सुन ली और लड़की वालों को मेरा भाव बेटा पसंद आ गया। क्या बात है पोपटलाल जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप तो। आपको पता है कि अब ये जगह खाली नहीं रहने वाली है। लेकिन भाई भाभी, मैं भाभी से बोलता हूँ, वो कभी मना नहीं करेगी। अरे चलो चलो पोपटलाल चलो। बापूजी, अभी आपकी खांसी कैसी है? पहले से कम है वो। वैसे ये ठंडी गर्मी के ऋतु में खांसी हो ही जाती है। एक काम करती हूँ बापूजी, आपके लिए एक ग्लास गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, ले। दे भाभी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? वो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। क्या अर्जेंट बात है, और सूट बूट में आए हैं? कोई खास बात है पोपट भाई? दया भाभी, चाचा जी गुड न्यूज है। मुझे अभी अभी मैरिज ब्यूरो से फोन आया है कि लड़की वालों को मेरा बायो डेटा पसंद आ गया है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त खुशखबर है नहीं बापूजी? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें चिल्ला क्यों रहा था? वो चाचा जी, दरअसल लड़की वालों को अभी शाम को 6 बजे सनराइज होटल में मिलने जाना है। और दया भाभी, मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि आप शाम को मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं। अरे कोई अपनी बहन से पूछता है क्या? अरे मैं जरूर आऊंगी पोपट भाई। डरा दिया था आपने तो। दया भाभी, एक और रिक्वेस्ट है। अरे पोपट भाई, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप दूल्हे राजा बनने वाले हैं, आपको ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर। वो मेरे दूरों वालों ने कहा है कि मेरे साथ अगर मेरे भाई भाभी या परिवार वाले होंगे तो लड़की वालों से बात करने में आसानी होगी। हाँ। तो आप जेठालाल से रिक्वेस्ट कर सकती है कि शाम को वो भी हमारे साथ चले। वो नो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नो। अरे पोपट भाई, ये हमारा फर्ज है, जरूर आएंगे। हाँ पोपट, तू चिंता मत कर, जेठिया भी तेरे साथ जरूर आएगा। है तू अभी के अभी जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि उसके सारे काम छोड़ दे और तुम दोनों पोपट के साथ लड़की वालों से मिल कर आओ। हाँ जी बापूजी। हाँ। क्या हुआ चाचा जी, तबियत ठीक नहीं है? ठीक है, थोड़ी सी खांसी है और। अच्छा, ध्यान रखिएगा। हाँ बोल दे यार। टप्पू के पापा, एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट? कोई टेंशन है? नहीं, एक खुश खबर है। वो मैरिज ब्यूरो में लड़के के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडाटा, बायको डाटा पसंद आ गया है। ओ, अरे दया, बायको डाटा नहीं, बायको डाटा। हाँ वही तो, लड़की वाले पोपट भाई को मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो मेरा ऑलवेज काम करेगी है। कुछ नहीं। हाँ तो देखिए, पोपट भाई अभी हमारे घर पर आए हैं और हमें उनके साथ लड़की देखने के लिए शाम को 6 बजे जाना है, तो तब तक आप दुकान का सारा काम खत्म करके रेडी रहना। मैंने हम दोनों की तरफ से उनको हाँ बोल दी है। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा, पर कहाँ जाना, कहाँ है? एक मिनट चालू रखिए पोपट भाई। ओ, होटल का नाम क्या बताया? लड़की वाले को कहाँ मिलना है? लाइए, मैं बात करता हूँ जेठालाल से। हेलो जेठालाल। अरे भाई पोपटलाल, मुबारक हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू। लेकिन भाई पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। अरे भाई, रिश्ता फिर पक्का हो ना हो कोई गारंटी नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला अभी पहले ही बधाई दे देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, होगा जरूर होगा। वो हमें शाम को 6 बजे लड़की वालों को सनराइज होटल में मिलना है। मैं ठीक 5:30 बजे दया भाभी को पिकअप करके तुम्हें लेने आता हूँ। अरे ये बहुत बढ़िया किया, वो सनराइज होटल यहाँ से पास में ही है, बराबर है, तो तुम दोनों यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से हम तीनों निकल जाएंगे। मैं 5:30 बजे रेडी रहूंगा और तुम लेट मत करना। इस काम के लिए मैं लेट कैसे हो सकता हूँ भाई? ठीक है ओके, तो मिलते हैं फिर। हाँ ओके। भगवान करे जैसे पोपटलाल का बाइक और डाटा लड़की को पसंद आ गया, वैसे पोपटलाल भी लड़की को पसंद आ जाए और उसका रिश्ता पक्का हो जाए। थैंक यू दया भाभी, चाचा जी थैंक यू। हेलो हेलो पोपट अंकल। हाँ बोल टप्पू। पप्पू भाई बोले पप्पू भाई। पोपट अंकल कहाँ रह गए, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, आप वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। पोपट अंकल जल्दी प्लीज जल्दी। ओके बाय।
चले मैं चलता हूँ। अरे अरे सुन, वो लड़की वालों के वहाँ तो 6 बजे जाना है ना, तो अभी ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? वो मैं कॉलेज आ रहा हूँ। ये कहाँ है? वो एक कंपनी है, उसका नाम कोले है, कोले कंपनी। कोले? ऐसा कैसा नाम? अजीब। हाँ, कैसा नाम है? यही जानने के लिए कि ये कंपनी का नाम ऐसा क्यों रखा, कब रखा, मैं वो कंपनी के मालिक है पप्पू जी, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हाँ, बाद में मुझे भी बताना कि ऐसा क्यों नाम रखा है ये कोले। हाँ, जरूर बताऊंगा। दया भाभी आप तैयार है ना, मैं फटाफट काम निपटा के आपको लेने आता हूँ। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, फतेह कर, फतेह कर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यार पोपड़ अंकल कहाँ रह गए? टप्पू बेटा, पोपड़ अंकल कितना लेट कर दिया पोपड़ अंकल आपने। सॉरी सॉरी टप्पू बेटा, थोड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे अचानक मैरिज ब्यूरो से फोन आ गया और मुझे अर्जेंट लड़की देखने जाना है। मतलब आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आ रहे हो? नहीं 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 बेटा, मैंने तुझे जबान दिया तो कैसे नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे वहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ पोपड़ अंकल, वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस मेरी मैम को मिल लीजिए, मेरी मैम मुझे आईडी कार्ड दे देंगे, आप फटाफट निकल जाना। हाँ भाई, फटाफट ही निकलना पड़ेगा वरना बैंड बज जाएगी। पोपड़ अंकल आपका बैंड तो जरूर बजेगा। क्या बोल रहे हैं? मतलब शादी वाला बैंड पोपड़ अंकल। तो अच्छा अच्छा, आप जरूरत में किसी की मदद कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा ना। थैंक यू बेटा, उसी आस पर तो मेरी दुनिया कायम है। चल चल जल्दी निकलते हैं। पोपड़ अंकल ये व्हाइटनर तो लगा लीजिए। व्हाइटनर? हाँ, लेकिन टप्पू बेटा मुझे वहाँ से फिर मैरिज ब्यूरो जाना है, ये व्हाइटनर निकलेगा तो सही ना? अरे हाँ पोपड़ अंकल, ये व्हाइटनर 2 मिनट में निकल जाएगा, सही लगा देता हूँ। हाँ तो फिर चल, बहुत लेट हो गया, रिक्शा में लगा लूंगा। चल हाँ, ठीक है ठीक है। काफी देर हो गई यार, टप्पू अब तक नहीं आया। हाँ लास्ट लेक्चर शुरू होने वाला होगा, चलो हम लोग भी जाते हैं। यार टप्पू आज उसके पापा को नहीं लेके आना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आ गया टप्पू। लेकिन पोपट अंकल, तू चल मैं पैसे देकर आता। हाँ। कहीं टप्पू पोपट अंकल को तो उसके पापा बना के तो नहीं लाया है? हाँ। चलो देखते हैं। चल चल चल। टप्पू ये पोपट अंकल तेरे साथ? हाँ, पोपट अंकल नहीं फ्रेंड्स, पापा। क्या फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और जिस मैम ने हमें बुलाया वो मैम कॉलेज में नए, वो मेरे पापा को जानते ही कहाँ है, बस किसी भी तरह मेरा आईडी कार्ड मुझे मिल जाए। हेलो बच्चों। हाय पोपट अंकल। अरे अंकल नहीं, सिर्फ अंकल। ओके अंकल। हाय अंकल। हाय अंकल। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ पता चला वो रॉकेट किसने फेंका था? नहीं यार कुछ पता नहीं चला है, हम कब से सबको वही पूछ रहे हैं। अरे चलो भाई, पूछताछ बाद में करना, मुझे बहुत लेट हो रहा है। चलो चलो अंकल। पापा पापा पापा, चलिए पापा, चलिए चलिए चलिए, चलो चलो। अंकल 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 अंकल, छाता दीजिए। क्यों पापा? अब पापा हो ना मेरे, तो मेरे पापा थोड़ी पूरा दिन छाता लेकर घूमते हैं। लेकिन मैं अपना छाता नहीं छोड़ सकता। पोपट अंकल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका छाता एकदम संभाल के रखूंगा। हाँ पक्का 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 पोपट अंकल। अरे तू क्या कर रहा है? देख गोली, ये छाता मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, तू प्लीज इसे संभाल के रखना। अंकल मैंने बोला ना मैं संभाल के रखूंगा, आप बस वहाँ संभाल लेना। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई तू टेंशन मत ले, बचपन में मैंने बहुत नाटकों में हिस्सा लिया है और लगभग मुझे पापा का ही रोल मिलता था, देख लो सब परफेक्ट होगा। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान के भीतर का एक्टर छिपा होता है, और जैसे एक्टिंग का मौका आए वो एक्टर बाहर कूद पड़ता है, लेकिन असलियत में जब कैमरा ऑन हो जाए या स्टेज पर पर्दा खुलने वाला हो तब अच्छे अच्छे तुरम खा की हालत खराब हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, फंबलिंग होने लगती है, डायलॉग मुंह से निकलते नहीं, आदमी अपने किरदार का नाम भूल जाता है और तो और ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। कहीं यही हाल जेठालाल बने पोपटलाल का ना हो, जो टप्पू की मदद करने के लिए कॉलेज में पहुंचे। अब देखना यह है कि पोपटलाल अपना किरदार ठीक ढंग से निभा पाते हैं या नहीं, या फिर कहीं टप्पू की पोल ना खुल जाए पोपटलाल को जेठालाल बना के कॉलेज में लाने की। भाई कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पे है, पोपटलाल जेठालाल बन के आए ये सोच सोच के हंसी आ रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा, जो भी होगा होगा बड़ा हंगामेदार, पोपटलाल के लिए भी आपके लिए भी, यहाँ चाहे जो हंगामे हो वहां ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.